एमएस वर्ड में सेक्शन कैसे बनाते हैं या किसी स्पेसिफिक पेज पर पेज बॉर्डर कैसे लगाते हैं। दो प्रॉब्लम लेकिन एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस एक ही वीडियो में। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास 8 पेजेस हैं, ठीक है, 8 पेजेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पेज नंबर 5 पर पेज बॉर्डर लगे और किसी भी पेज पर बॉर्डर ना लगे। हमें पता है, हम ये चीज़ सीख चुके हैं, कर चुके हैं पेज बॉर्डर में, जहाँ से हम पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पेज बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पेज पर पेज बॉर्डर लगाने के लिए हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है दिस सेक्शन, लेकिन इसे आप चूज़ करते हैं तो क्या होता है, सभी पेजेस पर लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई सेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ एक सेक्शन बनाएंगे और उसी के जरिए हम उस एक सिंगल पेज पर बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे आप सेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले सेक्शन बनाना है आपको, ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं और एक बार जाते हैं हम यहाँ पर व्यू टैब में। व्यू टैब में जाकर हम कर लेते हैं यहाँ से मल्टीपल पेजेस, ठीक है, ताकि हम अपने सारे पेजेस ऐसे देख सकें, ठीक है। 3 पेजेस यहाँ है, 3 नीचे 6 और ये 2 8 पेजेस है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पेज नंबर 5 पर बॉर्डर लग जाए और किसी पेज पर ना लगे। तो ये 1 2 3 और ये आया 4 और ये रहा मेरा पेज नंबर 5, जी ये मिडल वाला, ठीक है। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पर बॉर्डर लगे और किसी पेज पर बॉर्डर ना लगे। उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर सेक्शन। सेक्शन कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि पेज नंबर 5 पर बॉर्डर लगे, आप जाएंगे पेज नंबर 4 के एंड में, यहाँ पर आप अपना कर्सर रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पेज विड्थ करके दिखा देते, तो देखिए ये पेज नंबर 4 पे हैं हम और लास्ट में मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम पेज नंबर 4 में। अब आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ब्रेक्स। ब्रेक्स पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सेक्शन ब्रेक्स, और इसमें आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, आपको चूज करना है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस पर अब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली पेज नंबर 5 पर बिल्कुल टॉप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको अच्छे से, ठीक ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेज नंबर 6 पर जाना है, ठीक है। अब आप आएंगे पेज नंबर 6 पर और इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना कर्सर रखेंगे बिल्कुल यहाँ। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, शो कर देता हूँ पेज विड्थ किया, ठीक है। पेज नंबर 6 पर हम और फर्स्ट में बिल्कुल पहली लाइन में हमारा कर्सर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो हम अब आ गए पेज नंबर 6 पर। अगेन आप जाएंगे पेज लेआउट पर, अगेन ब्रेक्स पर और फिर से चूज करेंगे सेक्शन ब्रेक में कंटिन्यूस। क्लिक किया और इससे क्या हुआ, हमारा पेज नंबर 5 जो था वो इन सभी पेजेस से अलग हो गया है, इसका अपना एक अलग सेक्शन बन गया है, ठीक है। तो ये तो बन गया सेक्शन। अब बारी आती है इस पर बॉर्डर लगाने की। अब इस पर बॉर्डर कैसे लगाएंगे, ठीक है। वापस जाएंगे आप अपनी डिज़ाइन टैब पर, पेज बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पर आ गए हम यहाँ से अपना पसंद का कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको लगाना है। लाइन में लगाना चाहते हैं तो ऐसे लाइन वाला लगा सकते हैं, वरना आर्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ से अपनी आर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, मैं ये लगाना चाहता हूँ तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो अप्लाई टू है इसमें अब आपको सिलेक्ट करना है दिस सेक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने पिछली बार छुड़वा दिया था इसीलिए, क्योंकि आपको सेक्शन बनाना नहीं आता था, ठीक है। अब आपने सेक्शन बना लिया है और अब आप सिलेक्ट करेंगे दिस सेक्शन, क्लिक करेंगे ओके। तो आपने जो सेक्शन बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये उसी सेक्शन पर आपका बॉर्डर लगा देगा, यानी कि आपके एक स्पेसिफिक पेज पर बॉर्डर अप्लाई कर देगा और किसी भी पेज पर कहीं भी बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। तो ये 2 समस्याएं थी आपकी आज की इस वीडियो में, कि सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और किसी स्पेसिफिक पेज पर बॉर्डर कैसे लगाते हैं। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो है ये ट्यूटोरियल। तो अब आपको पता है कि आप सेक्शन कैसे बना सकते हैं और उसके जरिए आप किसी स्पेसिफिक पेज पर बॉर्डर कैसे दे सकते हैं।